आज 4 नवंबर 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 4th नवंबर 2024 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा का एक गीत है, बहुत सुंदर गीत है बाबा के। आज की मुरली उस गीत के ऊपर है कि गुण और अवगुण के कारण कोई हीरा है तो कोई पत्थर है, और दूसरा गीत है चुन चुन के जग के काटे फूलों की माला बनाए। तो खूबियां और खामियां, गुण और अवगुण, जिसको भगवद गीता कहती है दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय, पूरा पुरुषार्थ यही है कि खामियां अर्थात कमियां, कमी कमजोरियां निकालनी है और विशेषताएं भरनी है। इसमें ही पूरा जीवन चला जाता है। जो जितना भर पाता है उतना वो आगे आता है। तो दो ही बातें हैं, खूबियां और खामियां। हमारी नज़र किसके ऊपर है? तो बाबा ने आज पूरी मुरली इसके ऊपर चलाई है। शास्त्रवादी भी इसके बारे में कहते हैं कि नारद को कहा कि तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, क्या हम लक्ष्मी को वरने लायक है? तो बाबा भी हम बच्चों को यही पूछ रहे हैं कि सतयुग में जाना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो क्या हम लक्ष्मी को वरने के लायक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने आज बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया है, हिम्मत बढ़ाई है बच्चों की कि सच्ची दिल से बाप को सुनाना है। हमने पहले भी बहुत बार देखा हुआ है, बाबा कहता है सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाता है। तो सच्ची दिल से बाप को सब सब समाचार सुना देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अभी हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है और अगर वो हिस्ट्री बराबर नहीं देता है, अपनी सभी तकलीफ नहीं सुनाता है, तो डॉक्टर भी पेशेंट की मदद नहीं कर पाएगा। हम भी ईमानदारी से सर्जन को अपनी सभी बीमारी सुना देना है, क्योंकि शिव बाबा अविनाशी सर्जन है। जितना हम, बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया अविनाशी सर्जन, जितना हम अविनाशी सर्जन को ईमानदारी से, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं, और शिव बाबा को ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है। हम सब जानते हैं कि जब तक आत्मा संपूर्ण नहीं बनी है, तब तक उस आत्मा से परसेंटेज में गलतियां तो होती रहेगी, परसेंटेज में गलतियां होती रहेगी। लेकिन जितना हम ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देंगे,
उतना बाबा दृष्टि देगा और बाबा करंट देगा, और उस करंट से हमारे अंदर के जो भी भूत है विकारों के वो निकल जाएंगे। बाबा ने आज उदाहरण भी दिया है कि जैसे वो भूत निकालने वाले होते हैं तो उनके आगे सब सच सुना देना चाहिए। अभी इनका भी YouTube के ऊपर शो चलता है, कई लोगों का लाइव रिकॉर्डिंग चलता है, भारत में कई स्थानों पर जाना हुआ। तो अभी ये बताना मुश्किल होता है कि ये इविल सोल है या फिर मानसिक बीमारियां हैं, क्योंकि मानसिक बीमारी के लक्षण भी इविल सोल के अनुसार होते हैं, और इविल सोल भी मानसिक बीमारी की तरह प्रेजेंट हो सकती है। तो हम इसको ध्यान में रखते हैं कि इविल सोल समझ के ही हम चलते हैं। ऐसे कई बी के हमारे पास आते हैं, अभी दवाइयाँ लेने के बाद भी बहुत कुछ होता है। तो हम डॉक्टर्स इन बातों को जाते नहीं हैं, ये तो हमारा फील्ड ही नहीं है, सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास रिफर करके दवाइयाँ चालू कर देते हैं। क्योंकि इविल सोल भी, अगर ब्रेन शांत हो गया तो इविल सोल कुछ कर नहीं पाएंगे, और इसका असर तो आता ही है ब्रेन के ऊपर। तो हमको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ये बात मैं इधर टच कर रहा हूँ क्योंकि कई स्थानों पर मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हम बताते हैं, हमारा वो फील्ड नहीं है, हम भूत निकालने वाले नहीं हैं। भूत निकालने वाला तो शिव बाबा है। और थोड़ा आउट ऑफ द सब्जेक्ट, लेकिन बाबा ने हमको इसके बारे में पहले से अलर्ट करके रखा हुआ है कि आगे चलकर ये सभी पेपर आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें बाबा ने चार पेपर बताए थे। एक बाबा ने कहा था कि बीमारियों का पेपर आएगा, शरीर की बीमारी आएगी या मन की बीमारी आएगी, जैसे हम अभी देख रहे हैं मन की बीमारियां बढ़ते जा रही है, चिंता उदासी। दूसरा पेपर बाबा ने कहा था कि संबंधों में टकराव या तनाव, ये भी बहुत बड़ा पेपर है, बहुत लोगों के आगे आ रहा है, लौकिक परिवार हो अलौकिक परिवार हो, कोई ना कोई बात हिसाब किताब निकलेगा। तीसरा बाबा ने कहा था कि प्रकृति के पांच तत्वों से आपको दुख मिलेगा, तो ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी, बाढ़ वगैरह जो भी है प्रकृति के तत्व। हम देखते हैं कि बारिश बहुत हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, या बादल फट जाता है, ये नेचुरल कैलामिटीज या प्रकृति के पांच तत्व दुख देंगे। और चौथा इम्पॉर्टेंट है, बाबा ने कहा था, ये इविल सोल का पेपर। तो चारों ही पेपर के लिए बाबा ने तैयारी करने को कहा। जितने हम बैलेंस में चलेंगे, जितने हम बैलेंस में चलेंगे उतना हम इन पेपर्स में पास होते जाएंगे। तो बिल्कुल डरना नहीं है। बाबा जब ये कह रहा है कि आपको सच्ची दिल से बाप को सब कुछ सुनाना है, जितना आप बाबा को सच्ची दिल से सुनाएंगे उतना दो बातें होगी। एक, आप हल्का महसूस करेंगे, दूसरा, बाबा से आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद मिलेंगी। ये बहुत लोगों का अनुभव है, ये बहुत लोगों का अनुभव है। हम तो उनको कहते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि बाबा को सुनाने के बाद भी हमको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करें। तो हम कहते हैं आप खत लिख के दे दो, बाबा को खत के ऊपर लिख के दे दो, क्योंकि ये बातें अंदर जितनी चलती रहेगी उतना आप परेशान होते रहेंगे। अभी मेरे पास ऐसे केसेस है, वो आत्माएं बार बार कहते कि हमारे ऊपर किसी ने जादू किया है, किसी ने जादू किया है। अभी है नहीं है कैसे पता चले, लेकिन मैं बार बार ये सोच रही हूं तो मेरे को लगेगा कि ये जादू किया हुआ है। हमको उसमें जाना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है।
हमको तो शुभ भावना रखनी है, बाबा से शक्ति लेनी है, और अगर हमारी अवस्था अच्छी है तो हमारे ऊपर इसका असर नहीं आएगा। तो इन बातों में हमको जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैं कहता हूँ बाबा को सच सच सुनाना है। सेकंड, लिख के देना है, अंदर में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि जितनी खामी होंगी उतना आप संपूर्णता से दूर रहेंगे। तो हमको परफेक्ट बनना है। परफेक्ट कौन? तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण परफेक्ट है, तो डिफेक्ट और इफेक्ट से परे ही परफेक्ट रहते हैं, ये बाबा ने बताया हुआ है। तो वह जिस्मानी विद्या बनाने वाले टीचर, ये सब विकारी है। बाबा हमें संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बना रहा है। आधा कल्प, बाबा ने कहा तुमने इनों की महिमा की है, अभी इनके जैसा बनना है। तो चेक करना चाहिए, पूरा पुरुषार्थ इन दो शब्दों के ऊपर है, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। तो क्या चेक करना है कि मेरे अंदर कितनी खामियां हैं, कमियां हैं। बाबा ने आज सब बताया है। बाबा ने कहा कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती जो कोई को धारणा करा सके। बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतने समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। बाबा रिजल्ट बता रहा है। बाबा ने आगे भी बहुत अच्छा कहा है, तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं, भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है। तो विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं, और अपने को साक्षी होके देखना है और फिर राय लेनी चाहिए। तो आज पूरे दिन भर हम सब चेकिंग करेंगे, हर एक को पता है कि उसके अंदर कौन सी कमी कमजोरी है या कौन सा भूत है। काम का भूत बहुत लोगों को सताता है, क्रोध का भी भूत है, लोभ का भूत है, मोह का भूत है, और अहंकार का भूत है। कुछ लोगों में आलस्य, ईर्ष्या, अलबेलापन, ये भी भूत होते हैं। आज बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किए, क्रोध और लोभ, और फिर बाबा ने कहा आंखें भी बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं आत्मा भाई भाई ठहरे। तो जिनको भी ये आंखें धोखा देती है, मुझे कितने लोगों के मैसेज आते हैं कि हमको पूरा ज्ञान पता है लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं वो छूटती ही नहीं है, क्योंकि उसमें सुख है। अभी बहुत ओपनली मेरे साथ बात करते हैं, उनको लगता है कोई दवाई लेंगे तो हम इस बीमारी से बच जाएंगे। कई लोगों की ग्रंथियां बहुत उनको डिस्टर्ब करती है, हार्मोन्स ज़्यादा करके यंगस्टर्स होते हैं, कुमार कुमारियाँ, क्योंकि हार्मोन्स तमो प्रधान है इस समय तत्व, तो उनकी वो ग्रंथियां उत्तेजित होने के चांसेस होते हैं। तो इनको बहुत बहुत अटेंशन रखना है अपने ऊपर, हिम्मत नहीं हारना है। कई बाबा के बच्चे निराश हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे ये संस्कार तो कभी बदलेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा यह अनुभव कहता है कि जितना हमारा योग बढ़ते जाएगा, जितना हम बाबा से सच्चे रहते हैं और अपने आप को सेवा में बिजी करते हैं, तो बाबा ऐसी शक्ति भरता है। जितना हमको दुआएं मिलती है, एक हमारा पुरुषार्थ, एक दूसरों से दुआएं, और थोड़ा अटेंशन रखेंगे पवित्रता, भोजन की और संबंध संपर्क की हम अटेंशन रखेंगे, तो ये अवगुण धीरे धीरे करके हमारे अंदर से निकलते जाएंगे। हमको पेशेंस रखना है, पुरुषार्थ चालू रखना है। बाबा ने आज दिया आत्मा का अभ्यास, हमने संडे की मुरली में भी देखा, या तो आत्मा देखो या फरिश्ता देखो। जितना यह आत्मिक दृष्टि और फरिश्ता का अभ्यास होगा, उतना आप इसमें से बचते जाएंगे।
तो ये एक आज बाबा ने बताया है। दूसरा बाबा ने कहा कि दृष्टि देते समय अंदर चलता है, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, इनमें सब अच्छे अच्छे गुण है, परंतु बोलते कुछ नहीं है और किसको समझा नहीं सकते हैं। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़ेंगे, दूसरे दूसरे की सर्विस में, अपनी सर्विस शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। अभी ये कौन से बच्चों के लिए कहा जिनके अंदर विशेषता है लेकिन उन्हें भाषण करना नहीं आता है, माना अपनी बात को कहना नहीं आता है। आज ही मुझे एक आत्मा मिली, काफी सीनियर है, कहते हैं मैं 1-to-1 सब समझा सकता हूँ लेकिन पब्लिक के सामने बोलना नहीं आता है। ये पब्लिक या स्टेज फियर बहुत लोगों के अंदर होता है, तो इनको क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि धारणा वाले चुप है और जिनके अंदर धारणा नहीं है वो भाषण करते हैं। अगर धारणा वाले भाषण करेंगे तो सामने वाले को तीर लगेगा। अभी जिनके अंदर पूरी धारणा नहीं है लेकिन उनकी बुद्धि अच्छी काम कर रही है तो वो क्या करते हैं? तो वो ये बाबा बहुत बच्चों को बता रहे हैं, कई सारे मैं पूरे भारत में देखता हूँ। हम इसकी विशेष ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे स्पीच देना चाहिए, और स्पीच देने के अलग अलग तरीके, हर एक विंग वाले। अभी तो मैं देख रहा हूँ, पहले हमारे आदरणीय जगदीश भाई ट्रेनिंग देते थे, फिर विंग्स हुए, तब से बाबा के पढ़े लिखे बच्चे बहुत सारे विंग्स में आ गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे भाषण। मुझे याद आ रहा है कि पहले ये एलसीडी प्रोजेक्टर वगैरह नहीं था, ओवरहेड प्रोजेक्टर था, तो प्लास्टिक के पेपर होते थे उसके ऊपर लिख देते हैं, और फिर वो HP प्लास्टिक के शीट्स लेके हम घूमते थे। फिर जैसे ही कंप्यूटर आए, लैपटॉप आए, एलसीडी प्रोजेक्टर आए, तो पेन ड्राइव में सब आने लगा। अभी पावर पॉइंट दिखाते हैं, अभी तो वीडियो का ज़माना है, लोगों की सुनने की कैपेसिटी भी ख़त्म हो गई है। अभी हम देखते हैं कोई भी वीडियो 1 से 3 मिनट के बीच में ही चलता है, तो समय के अनुसार ये सब विधियाँ बदलते जाती है। लेकिन अभी मुझे ऐसे लगता है जैसे बाबा ने पहले भी कहा था कि आगे चलकर वाचा की सेवा बंद हो जाएगी, वाचा की सेवा बंद हो जाएगी बाबा ने कहा था, तो केवल मनसा सेवा रहने वाली है। तो मनसा सेवा के लिए आपको अंदर से बहुत शक्तिशाली रहना पड़ेगा। केवल योगी आत्माएं अच्छी तरह से मनसा सेवा कर सकती है, और हमको सबको इसका अभ्यास करना है। बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि बच्चों का तीर कब लगेगा, जब उनके अंदर योग की शक्ति होगी। बाबा का उदाहरण है, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। तो अभी इसका पार्ट है, ऐसे मुझे लगता है कि हमको तपस्या से, माना दृष्टि से, चेहरे और चलन से सेवा करना चाहिए। ये मुरली साकार मुरली है, ये पुरानी मुरली है 69 के पहले की। हालांकि अभी वाचा की सेवा चल रही है, लेकिन मैं बहुत जगह पे जाता हूँ तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में है। लोग योग में अनुभव चाहते हैं, तो हमने भी शिफ्ट किया है कि भाषण कम करने का, लोगों को अनुभव ज़्यादा कराने का। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी इतने यूट्यूब के चैनल हो गए हैं और हर एक हम कहते हैं हिंदी में प्रवचनकार हो गए हैं, हर एक ज्ञान बांटता रहता है। कितने सारे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे ज्ञान बांटते रहते हैं, फेसबुक के ऊपर। तो जब ये अति में जाते हैं ना, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। अभी जो विजय है वो धारणा वाली आत्माओं की होगी, और धारणा वाले कभी भी छिप नहीं सकते हैं। देखो आज के मुरली में बाबा ने
सन्यासियों को विशेष याद किया है कि जब उनको वैराग्य आ जाता है तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, और उनका एक ही विचार होता है, कौन सा, कि ब्रह्म में लीन हो जाए। बाबा इन आत्माओं की महिमा महिमा करता है कि बस अभी हमको जाना है, तो उनको वैराग्य आ जाता है। तो ये जो नवदा भक्ति करने वाले हैं, इनकी भी पावर कम नहीं है, लेकिन उनका भक्ति का पार्ट है। आज तो विशेष एक बात बाबा ने कही है, देखो ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा कि आत्मा आकर प्रवेश करती है, जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता है। ये पीछे आने वाली आत्माएं हैं, आप इसको समझो। अभी मैं जो देख रहा हूँ, जैसे बाबा ने बताया था कि जीसस क्राइस्ट, तो जीसस के शरीर में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया। अभी जो सूली पर चढ़ी, वो जीसस की आत्मा को दुख हुआ, क्राइस्ट को दुख नहीं हुआ। ऐसे ही अभी ये जो पीछे आने वाली बहुत सारी आत्माएं हैं, जो किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करके अपना काम करते रहती है। अभी महिमा उस शरीर की हो जाती है, और लोगों को ये पता नहीं चलता है कि इसमें कोई महान आत्मा ने या पवित्र आत्मा ने प्रवेश किया हुआ है। अभी मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आती है, जिस तरह से ये बाबाओं के प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। अभी कई लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि ये बाबा आता है, ये कौन सी आत्मा है, ये क्या चल रहा है। तो ये कहना तो मुश्किल है, हम सच नहीं जानते, सच तो बाबा ही जानता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बाबा ने हमको बताया है कि ट्रांस में माया प्रवेश करती है। पूरा यज्ञ की हिस्ट्री आप आदि से अब तक देखेंगे तो शुरुआत में बहुत सारे बाबा के बच्चे ट्रांस में जाते थे। बाबा ने आखिर में ट्रांस का पार्ट बंद कर दिया, माना साक्षात्कार। क्यों? क्योंकि उसी में घूमते रहते थे। अभी शुरुआत में ये क्यों जरूरी था? क्योंकि आप सोचो, दादियों को 14 साल कैसे बिजी करे। तो साक्षात्कार, आखिर बाबा ने कहा कि ये सब खेल पाल है, इसमें ज्ञान कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने मुरली में कहना चालू किया कि ध्यान दीदार से कोई फायदा नहीं है, पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। और ध्यान में माया प्रवेश करती है। जब मम्मा का शरीर छूटा, तभी भी ऐसे हुआ था कि कई जगह पर मम्मा का पार्ट चालू हो गया। हमारे इधर के एक आत्मा जिन्होंने साकार मम्मा बाबा से पालना ली, उन्होंने कहा हमने मम्मा से बहुत प्यार किया, प्यार पाया। जब मम्मा गई तो हमारा ध्यान नहीं लग रहा था, फिर पता चला मुंबई में कहाँ पर मम्मा आते, तो उस घर में जाने लगे। अभी इनकी पावर तो होती है ट्रांस वालों की, तो वहाँ भीड़ लगी, धीरे धीरे मुरली छूटती गई, ज्ञान छूटता गया, और फिर बाबा का हाथ छूट गया और इस कुमार ने शादी कर ली। तो ये सब होता है ट्रांस में। अभी मैं देख रहा हूँ कई लोग ट्रांस में जा रहे हैं, हमको इनसे प्रभावित नहीं होना है। लौकिक में हमने बहुत ऐसे देखे हुए हैं। अभी इनके पास पावर तो होती है, बेचारे भावना वाले इनसे प्रभावित होके बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। हमको बाबा के ऊपर पक्का निश्चय करना है, और इन ट्रांस वाली आत्माओं को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ये तो दुनिया में आप देखो, आप कभी मुंबई में कभी आए तो ट्रेन में कितने सारे पोस्टर्स लगे हुए रहते हैं। 100% वो वायदा करते हैं, 110% आपको वशीकरण करके दिखाएंगे, बहुत सारी बातें प्रॉमिस करते हैं। अभी ये लोग बंगाली बाबा करके होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जादू टोना चलता है। अभी इनके पास थोड़ी बहुत सिद्धियाँ होती है, कुछ लोग तो फंसाते हैं, पर कुछ लोगों के पास सिद्धियाँ होती है, ये क्या है? तो हमको इसमें जाना नहीं चाहिए। ये सात्विक, राजसी और तामसी तीनों प्रकार की आत्माएं होती है। तो ये बहुत आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, लेकिन जब बाबा ने ये कहा कि ये नाम वाला हो जाता है, तो हमको इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग में ऐसी बहुत सारी आत्माएं जिनका दरबार चलता रहता है। अभी ये सब इनका ड्रामा में पार्ट है,
हमको तो ज्ञान के आधार पर अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है, नहीं तो क्या होगा? जैसे ये आत्माओं ने बाबा का हाथ छोड़ दिया ट्रांस की वजह से, वैसे बाबा का हाथ छूट जाएगा, माया रूपी अजगर पेट में डाल कर बिठा देगी। दुबन में फंसे हैं, बाबा ने कहा गले तक दुबन में फंसे हुए हैं, तो इससे भी थोड़ा सावधान है, मुझे ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, जो बाबा ने कहा जो आदि में हुआ वो अंत में होगा, आदि में ये बहुत चला था, अभी अंत में भी ये चलने वाला है, क्योंकि बाबा ने कहा जैसे आप सतयुग के नजदीक जाएंगे तो आपको सतयुग के सभी लक्षण दिखाई देंगे, तो ये सब होने वाला है, क्योंकि कई आत्माओं की एनर्जी इतनी इलिवेट हो रही है, वो सबको लिफ्ट कर रहे हैं, एक बाबा की शक्ति और इन आत्माओं की शक्ति सबको लिफ्ट कर रहे हैं वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अनेक जन्मों की हमारी आश थी कि हमको साक्षात्कार हो जाए, तो इनको साक्षात्कार कराने के लिए और ये आश पूर्ण करने के लिए सब बातें होगी, हमको इसमें नहीं जाना है, ज्ञान को पकड़ के चलना है, बाबा ने कहा भूत निकालने का पुरुषार्थ करना है, जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे। अभी ये उनके लिए है जो कहते हैं कि बाबा क्या करते हैं, बाबा ने स्पष्ट कहा जितना आप अच्छी रीति बाबा की याद में रहेंगे तब क्या होगा, कोई विचार नहीं आएगा और आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा, आप सोचो जो मांगोगे वो मिल जाएगा, बाबा इतना गारंटी दे रहा है। और मैंने ऐसी बहनें देखी है, वो बहुत तपस्वी है, वो जो संकल्प करते हैं बाबा उसको पूर्ण कर देता है, तो ये अवस्था होनी चाहिए, मांगने से मरना भला। और दूसरे तरफ ऐसे भी है जो मांगते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, हमको निराधार तपस्या करना चाहिए, कोई आधार नहीं लेना चाहिए, निराधार। बाबा ने आज कहा शिव लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सेवा करना है। विशेष आज बात मुझे धारणा की और अच्छी लगी कि बहुत ठंडाई से नम्रता से बात करनी है। बाबा बातचीत के ऊपर लगातार तीसरे दिन पर बता रहा है कि बहुत ठंडाई से नम्रता से बात करनी है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है, कहते हम गांवों में जाकर सर्विस करो करे, तो गांव में मैं देख रहा हूँ बहुत इनोसेंट बाबा के बच्चे हैं और बहुत जल्दी निकलते हैं। जैसे अभी मैं आसाम में घूम रहा हूँ, अभी मैं तेजपुर पहुँच चुका हूँ, बहुत भावना वाले और इनोसेंट बाबा के बच्चे निकल रहे हैं, और जिनसे भी मिलता हूँ ये वासना आती है। विशेष आज निश्चय के ऊपर बाबा ने याद दिलाया है, तीन शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित विजयी। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो, थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो, सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती, तो सदा ये निश्चय रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ क्यों हुआ इन सब प्रश्नों से पार, सदा निश्चिंत सदा हर्षित रहते हैं। तो निश्चय के फाउंडेशन को चेक करेंगे, चलते चलते कुछ बाबा के बच्चों में संशय आ जाता है, मेरा ड्रामा में पार्ट है या नहीं, मेरा संस्कार बदल नहीं रहा, मेरे बंधन कट नहीं है, ये खुद के ऊपर डाउट करना है। फिर बाबा में निश्चय, बाबा कुछ करता क्यों नहीं, बाबा है या नहीं है, इधर आता है उधर आता है, ये भी संशय हो गया। बाबा की मुरलियों को स्टडी करना है अच्छी तरह से, मैंने पहले भी कहा हमको संपूर्ण अवस्था तक जाने के लिए जितनी मुरलियाँ चाहिए सभी अवेलेबल है, बस स्टडी करो तपस्या करो और बेहद में रहो। ड्रामा में भी निश्चय होना चाहिए, ड्रामा में जो कुछ होता है वो सब कल्याणकारी है, ड्रामा को ऐसे ही होना चाहिए। अभी मैं मुरली रिकॉर्ड करते करते
बोला था कि कोई ठक ठक नहीं करे, बीच में ही आ गए, मुझे मुरली रोकना पड़ा, फिर उनको समझाया रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी हर कल्प में रिपीट होगा, अभी बाहर हम सेंटर पर जाते हैं तो हमको ये सब सुविधाएं नहीं मिलती है, तो हमको संभालना पड़ता है, समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्विक डिसीजन लेना चाहिए, योग माना निर्णय शक्ति, हमको क्विक डिसीजन लेके बाबा की याद में रहना है। आज के पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो, चेक करना है मेरे अंदर कोई खामियां तो नहीं है, मेरे अंदर कोई खामियां तो नहीं है, खामियां है तो सच्ची दिल से ईमानदारी से बाबा को सुनाना है, तो बाबा करंट देगा, अपने आप से बात करनी है, जो कुछ भी आंखों से देखते सब खत्म होने वाला है, हमको घर जाना है, 8 घंटा कम से कम सेवा के लिए देने हैं, 8 घंटा, और बाबा से करंट लेने का पुरुषार्थ करना है, बीमारी को छिपाना नहीं है, निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना है, हम निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, और फौरन डिसीजन लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।